नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे कोर्ट की फटकार, कोई माफिया ना बचे सरकार। विकास दुबे के इनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ और जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने माफिया के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दावा था कि वो माफिया रहित प्रदेश बनाएंगे और यहाँ पर कोई भी अपराधी पनप नहीं पाएगा, इसलिए सारा फोकस उन्हीं पर है। इसके बाद जब विकास ने 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी, पूरा प्रदेश का देश हिल गया। अब योगी सरकार ने 33 बड़े माफियाओं के खिलाफ एक पूरा कच्चा चिट्ठा निकाला और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। दरअसल ये लिस्ट भी एसटीएफ ने ही बनाई थी। अब एसटीएफ ने ये लिस्ट बनाई, उसमें तमाम अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, इन जैसे तमाम अधिकारियों पर माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अब इस लिस्ट पर ही सवाल या निशान लग गए हैं, सवाल खड़े हो गए हैं कि इस लिस्ट में क्या जाति देख देख करके ये नाम डाले गए हैं? क्यों एक खास वर्ग के नाम इसमें नहीं है? बड़ी बात है, विपक्ष इसमें सवाल उठा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि इसमें एक खास वर्ग के नाम, जाति के लोगों का नाम इसमें क्यों नहीं है, वो सवाल खड़े कर रहा है। तो क्या बड़ी बात यह है कि आजकल माफियाओं को उनकी जाति से भी पहचाना जाता है? क्या विकास दुबे जिस तरह से मारा गया, उसके बाद उसको महिमा मंडित करने की कोशिश की गई, उससे यह साबित होता है कि कुछ लोग ये माफियाओं को भी अपनी जाति का होने के कारण महिमा मंडित करते हैं? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, क्या एसटीएफ कुछ लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है? ऐसा ही एक मामला हाईकोर्ट के इलाहाबाद बेंच में हुआ, जिसमें राजा भैया के खिलाफ जो चुनाव लड़ा था उसने याचिका दायर की थी और उस याचिका की सुनवाई करते करते हाई कोर्ट ने कहा कि राजा भैया के खिलाफ जो मुकदमे थे वो वापस क्यों लिए गए, उसका कारण क्या था, बताइए। और अगर आप नहीं बताएंगे तो हम स्वतः संज्ञान लेकर के इस पर कुछ काम करेंगे। यानी कि सरकार ने बता दिया है कि कोर्ट ने बता दिया कि सरकार को अब माफियाओं पर शिकंजा कसना पड़ेगा और वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। लेकिन अभी भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि तमाम ऐसे माफिया हैं जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं डाला गया। आखिर वो कौन से माफिया हैं जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं डाला गया? क्यों विपक्ष इस पे सवाल खड़े कर रहा है? क्या दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या माफियाओं को उनकी जाति देख करके ही प्रोटेक्शन मिलता है और मारा जाता है तो उनकी जाति देख करके मारा जाता है? यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, जरा यह रिपोर्ट देखिए, समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। माफियाओं के खिलाफ प्रदेश सरकार सख्त है, प्रदेश के टॉप अपराधियों की सूची बनी है, उसी के आधार पर सभी माफियाओं पर तेजी से नकेल कसी जा रही है। तो वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने का सरकार से कारण पूछा है। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने एक याचिका पर सरकार से ये जवाब मांगा है। दरअसल राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ चुके जिस शख्स ने यह याचिका दाखिल की है, याचिका में उसने खुद को राजा भैया से जान का खतरा बताया है। याचिका में राजा भैया के मुकदमों की वापसी पर भी सवाल उठा है, जिस पर कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब तलब कर लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के जस्टिस मुनेश्वर नाथ भंडारी और जस्टिस मनीष कुमार की बेंच ने यह आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी रघुराज प्रताप सिंह के खिलाफ मुकदमे सरकार के इशारे पर वापस लिए गए हैं तो इसका स्पष्ट कारण सरकार दे। कोर्ट ने कहा कि यदि संतोषजनक कारण नहीं मिलता है तो कोर्ट इसका भी स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले का परीक्षण करेगी। कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामलों को नरमी के साथ वापस लिए जाने के मामले का परीक्षण किए जाने की जरूरत है। सीधे शब्दों में कहें तो कोर्ट ने यूपी सरकार को सख्त निर्देश दिया है कि कोई अपराधी अब बचना नहीं चाहिए। बता दें, कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के साथ हुई मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद यूपी सरकार ने सूबे के माफियाओं और अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी तेज कर दी है, लेकिन सत्ता का हाथ थामे नेताओं पर एक्शन अब तक नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि अब कोर्ट ऐसे बाहुबलियों पर सख्त हो चुकी है। गौरतलब है कि हाल में ही शासन के 33 बड़े अपराधियों की एक लिस्ट तैयार की गई। लिस्ट में अकेले प्रयागराज के 4 बड़े क्रिमिनल के नाम शामिल हैं। प्रयागराज के 4 क्रिमिनल में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद, पार्षद बच्चा पासी, सपा के ब्लॉक प्रमुख रहे दिलीप मिश्रा और बीएसपी से जुड़े छोटा राजन गिरोह के सदस्य राजेश यादव का नाम शामिल है। चारों हिस्ट्री शीटर के खिलाफ संगीन धाराओं में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। यूपी में अपराध और अपराधी पर शिकंजा कसने वाली योगी सरकार को अब इलाहाबाद हाई कोर्ट कटघरे में खड़ा कर रही है, जिससे न सिर्फ सरकार बल्कि निर्दलीय विधायक राजा भैया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कानपुर की घटना से सबक लेते हुए अब यूपी सरकार अपराधियों के खिलाफ कोर्ट का एक्शन शुरू हो गया है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। जी हाँ, कोर्ट ने फटकार लगाई है कि कोई भी माफिया ना बचे सरकार, और ये भी पूछा है कि आखिर राजा भैया के खिलाफ शिकायतें वापस क्यों ली गई, मुकदमे वापस क्यों लिए गए। और अगर आप नहीं बताते हैं, आपराधिक मामलों को वापस लिए जाने की आप बात सही से नहीं कर पाते हैं, तो हम इसका परीक्षण करेंगे और स्वतः संज्ञान लेकर के इस पर कार्रवाई करेंगे। तो कोर्ट इस बार सख्त नजर आ रहा है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या माफियाओं की जाति होती है, क्या बदमाशों की कोई जाति होती है, क्या जो माफिया है वो अपनी जाति का रॉबिन हुड होता है और उसकी सारी जाति उसको बचाने में जुट जाती है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। उसको महिमा मंडित किया जाता है, जिस तरह से विकास दुबे को महिमा मंडित करने की कोशिश की गई, उससे तमाम सवाल यही खड़े हो रहे हैं। और कहा जा रहा है कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन सरकार ने जो लिस्ट जारी की है उसमें कुछ लोगों का नाम ना होने की वजह से विपक्ष इसमें एतराज जता रहा है। कौन कौन से हैं वो नाम, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ यहाँ लखनऊ स्टूडियो से समाजवादी पार्टी के उदयवीर सिंह जी जुड़ चुके हैं, MLC हैं, विधायक हैं, बहुत स्वागत है आपका सर। और हमारे साथ श्याम सिंह यादव साहब भी जुड़ चुके हैं, सांसद हैं बहुजन समाज पार्टी से, आपका भी बहुत स्वागत है श्याम सिंह यादव सर। और पूर्व मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहित अहमद साहब भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, मोहित साहब आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर बाद दो और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, और जब वो जुड़ेंगे तो हम उनसे आपको जरूर रूबरू करवाएंगे। सीधा रुक करेंगे श्याम सिंह जी का। श्याम सिंह जी, क्या दो सवाल हैं हमारे आपसे। सवाल नंबर एक, क्या किसी माफिया की कोई जाति होती है, क्योंकि अब देखा यह जा रहा है कि जिस जाति का माफिया होता है उस जाति के लोग उसको महिमा मंडित करते हैं। सवाल नंबर दो, जो विपक्षी सवाल उठा रहा है कि इसमें कुछ माफियाओं के नाम नहीं है, और कोर्ट ने भी उस पर सवाल खड़े किए हैं, क्या कहेंगे आप? माफियाओं का अपराधियों की जात नहीं होती, धर्म नहीं होता, ये तो बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल चीज कह रहे हैं, आइडियलिस्टिक चीज कह रहे हैं। जब सत्ताधारी पार्टी पर आ जाता है, और खास तौर से जो आज के समय सत्ताधारी पार्टी है,
तो वो इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करती, उसकी धज्जी उड़ा के रख देती है, उसको टुकड़े टुकड़े कर देती है। इस बात की बहुत चर्चा है और मैं जानता हूं एक एक माफिया का नाम लेना यहाँ न तो उतना समय है न तो उतना उचित है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये जो माफिया की लिस्ट बनाई है क्या उसका कोई क्राइटेरिया है कि किसी के भी मन में जो आवे कि फला को यादव को रख दो, फला को उसको रख दो, फला को और बाकी लोगों को निकाल दो, क्या ये मनमौजी ढंग से बनाई गई है या इसका क्राइटेरिया है? अगर क्राइटेरिया है तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को सार्वजनिक रूप से पब्लिक डोमेन में उस क्राइटेरिया को प्रकाशित करना चाहिए, जिससे यूपी पुलिस द्वारा बनाई गई गुंडों की, माफियाओं की, अपराधियों की लिस्ट पर आम जनता विश्वास कर सके कि इन्होंने सही लिस्ट बनाई है। और मैं आपको बताता हूं कि जब तक उत्तर प्रदेश के इस प्रशासन पर, पुलिस प्रशासन पर खास तौर से पब्लिक का विश्वास नहीं होगा, ये पब्लिक का विश्वास नहीं जीतेगी, तब तक उत्तर प्रदेश का प्रशासन, पुलिस प्रशासन लगातार इसी तरह से फेल होता रहेगा और उसके ऊपर अटैक होते रहेंगे। जाहिर है कि जब कुछ खास वर्ग के लोगों को बढ़ाते हैं, उनको फलने फूलने देते हैं, उनकी तरफ से आंखें मूंदते हैं, तो वे एक समय ऐसा आता है कि जो उनको बढ़ाता है, पालता है, वो उसी पर वार करते हैं। और यही चीज वो पहले भी हुई है और आज भी उत्तर प्रदेश में हो रही है। ठीक है सर, आपके पास आएंगे, ठीक है सर, आपके पास आएंगे। आपने बड़ा मुद्दा उठाया है कि सर, जब तक आम जनता को उस लिस्ट पर एतबार नहीं होगा, और आपने खुलासा भी किया है कि क्या क्राइटेरिया देख करके इसमें लोगों को डाला गया है। हमारे साथ में एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, कुबेर सिंह जी हैं, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपका भी बहुत स्वागत है कुबेर सिंह जी, और आपके पास आऊंगा जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन मेहमान पहले से जुड़े हुए हैं तो उनका रुख करेंगे। मोहित अहमद साहब, आपको भी इस लिस्ट पर एतराज है क्या? श्याम सिंह यादव साहब जो एमपी हैं जौनपुर से, उन्होंने बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है कि जो सूची बनाई है उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, उसका कोई आधार नहीं है। अगर माफिया राज खत्म करना है उत्तर प्रदेश से, तो इनको ईमानदारी के साथ उसमें फिर न जात देखें न बिरादरी देखें, और सबसे बड़ी चीज ये है कि पार्टी न देखें। इनकी पार्टी में जो भी चाहे माफिया हो, चाहे पॉलिटिकल आदमी है, चाहे वो जितनी बड़ी अनियमितता करे, उसके लिए छूट है। और इनके केंद्रीय मंत्री और राज्य के मंत्री तक आज ही, ये क्या, ये शेखावत साहब टेलीफोन पे बात कर रहे थे, पैसे की लेन देन कर रहे थे, उत्तर पर राजस्थान की सरकार को गिराने का ठेका ले रहे थे और कह रहे थे कि मैं बात करके ठीक कर दूंगा, और वो कह रहा था दो आदमी है, ये है, ये इनके संबित पात्रा जी हैं। जब नोटबंदी हुई तो इन्होंने 61 लाख रुपया लेकर के जमा किया और निकाला और एक कंपनी बनाई, और वो कंपनी चौपाल कहते हैं, सेंटर फॉर होलिस्टिक एडवांस एंड अपलिफ्टमेंट फॉर पुअर के लिए। उस कंपनी का जिक्र भी नहीं, अपने चुनाव लड़े थे, उस कंपनी का जिक्र भी नहीं किए। और उस कंपनी में दो लोग और हैं, बलराम गुरु गर्ग हैं, भोलानाथ हैं आरएसएस के, तो उन्होंने एफिडेविट में उनका नाम नहीं डाला। 61 लाख रुपया जमा किया और उसमें हम बात कर रहे हैं, मोहित साहब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के माफियाओं की लिस्ट पर, अनैतिक तरीके से, बिल्कुल अधाधुम तरीके से बेईमानी करके अपने लोगों को पैसा लुटा रही है, ठीक है, और उनको लूटने की छूट दे रही है, ठीक है, उसी तरह, ठीक है मोहित साहब, ठीक है, आएंगे दोबारा से आपके पास। आपका समय समाप्त हो गया है। उदयवीर सिंह जी, आप क्या कहेंगे बताइए। देखिए जी, सबसे महत्वपूर्ण है प्रक्रिया जी। अगर प्रक्रिया ठीक नहीं होगी तो सूची पे ना कोई भरोसा करेगा ना सूची सही बनेगी जी। और प्रक्रिया का सवाल
आज विकास दुबे न्यूज में है, विकास दुबे का ना टॉप 10 में नाम था, न विकास दुबे का भूमाफियाओं में नाम था जी, न विकास दुबे का मोस्ट वांटेड में नाम था। ठीक, तो इस को अगर टेस्ट केस मान लें तो निश्चित तौर पे प्रदेश की सरकार को अपनी प्रक्रिया पे प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए था। इसका मतलब ये तीनों सूची जो बनी वो कचड़े के डब्बे में डालने लायक है। अच्छा, और इस पर पुनः विचार करते हुए सरकार को तुरंत कोई ना कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए था कि ऐसा क्यों हुआ कि इस व्यक्ति का नाम इसमें नहीं रहा और ऐसा किस किस जिले में हुआ। लेकिन सरकार ने अभी इंस्पेक्टर से ऊपर के किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई इसकी पुनः विचार की कोई बात तय नहीं की। तो इसका मतलब यह हुआ कि सरकार की जानकारी में आने के बावजूद भी वो एक काम करने को तैयार नहीं है। दूसरा मुद्दा यह है कि कौन सा काम किसको दिया जाता है। अगर चोर को रखवाली करने के लिए आप कह देंगे तो क्या रखवाली होगी, वो तो लेजिटिमेट राइट हो जाएगा उसका चोरी करना जी। जो पुलिस के अफसर इसको देख रहे हैं, जिनको दुर्दांत अपराधियों से डील करना चाहिए, उनके खुद ही क्रेडेंशियल्स बहुत विवादित हैं, लगातार उन पे सवाल उठ रहे हैं, उनके माफियाओं से जाति आधारित पुराने संबंध हैं, और बहुत सारी बात होने के बावजूद बार बार सोशल मीडिया से लेके बातें सामने आ रही हैं, लेकिन एसटीएफ का जो पूरा कार्य प्रणाली है उस पर कोई सवाल उठाने को तैयार नहीं। और मैं बहुत पीछे आपको ले जाऊं, एक शाही इंस्पेक्टर साहब ने राकेश सिन्हा जो आज राज्यसभा के सदस्य उनको उठा लिया था नोएडा से, सही समय पर अगर आरएसएस के लोगों से उनका संपर्क न हो जाता तो मुझे लगता है अब तक वो कहीं चले गए होते, यानी कहां क्या किया होता उन्होंने। तो जब किसी का क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं देखी जा रही, चाहे जिसको उठा ले रहे हैं, पुलिस को इस तरीके से कर दिया कि मनमानी तरीके से लोग चला रहे हैं जी, तो सूची सही कैसे बनेगी। ठीक है, और इसका एक कारण और मैं बताऊं जी, मुख्यमंत्री जी खुद जहां से आते हैं गोरखपुर से जी, वो गोरखपुर जाति आधारित माफिया गिरी का केंद्र बिंदु रहा है इतिहास में, और वहां से इस तरह के काम पहले होते रहे कि एक गैंग के बदले में दूसरे गैंग जिस तरह सपोर्ट होता रहा। मैं आज महसूस करता हूं कि वो जो बैकग्राउंड है वो आज भी काम कर रहा है, इसलिए किसी जात विशेष के लोग मौज में हैं, किसी जात विशेष के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ठीक है, जिन पे मतलब आपका भी आरोप है, जो लिस्ट में है नहीं आपका भी कोई बड़ा माफिया बताया जा रहा है, और जिन पे बड़े हैं उनकी तरफ से आंखें बंद कर ली जा रही है। ठीक है, तो न्याय होना चाहिए सबके साथ, कानून समान रूप से लागू होना चाहिए। ठीक है, कुबेर सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक है भारतीय जनता पार्टी के। कुबेर सिंह जी, आपने सभी लोगों की यहाँ पर राय सुनी, क्या कहेंगे आप, पहली प्रतिक्रिया आपकी? श्याम सिंह जी माननीय सांसद जी बोल रहे हैं, जो सुना है मैंने उनकी बात से, एक बात से केवल मैं सहमत हूँ, शेष्टों को अनैतिक बातें कर रहे हैं जो केवल पार्टी पे प्रत्यारोप किया जाता है। इस चीज से मैं जरूर सहमत हूँ कि यदि इनकी नजर में कुछ गुंडे ऐसे छूटे हुए हैं कि जिन्हें ये सूची और बढ़वा दें उसमें कि ये इतने हिस्ट्री शीटर, इतने क्राइम, इस तरह के लोग हैं, उनकी सूची बना के ये और दे दें, उन्हें भिजवा के उसमें शामिल करा दूंगे, ऐसा आग्रह मैं भी सरकार से कर लूंगा। ये अच्छी बात है, छोटे छोर क्यों दिया, कहाँ कहाँ कौन जुड़वाया प्रदेश में, आपकी नजर में छूटे हुए नहीं, नहीं। पर यदि आपकी नजर में तो उनकी सूची दे दे उसमें, अरे मेरी नजर में छूट गए, उससे पहले आपकी नजर कहाँ है, आपको नहीं दिख रहा है, केवल आपको अनैतिक बातें करना आपकी। नहीं नहीं देखिए देखिए हम बहुत, मैं बहुत नैतिकता के, देखिए मैं आप वैधानिक करें, मैं बहुत वैधानिक बहुत नैतिकता की बात कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार को अपराधियों का, माफियाओं का वर्गीकरण के लिए एक एक क्राइटेरिया होना चाहिए, इसमें कौन सी अवैधानिक है ये बताइए। और सुनिए विधायक जी की बात आ जाने देते हैं हम लोग, फिर उसके बाद सवालात कर लेंगे उनसे। इनको हम नाम बता दें तो शामिल कर लेंगे, इकट्ठे नहीं करेंगे, न इनका नियत ठीक है न करेंगे, अगर छूटे हुए का नाम बतावे न इनका अवकाश है। मैं आपको बताऊं
ये तो आके कि आपके चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं कि छूट गए तो हम शामिल कर देंगे। अरे छूट क्यों गए भाई, तुम ये छोड़ क्यों गए, तुमको दिख नहीं है। पहले बात आ जाने दीजिए उनकी, फिर आपके पास आएंगे। ठीक है कुबेर सिंह जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी। तो सरकार का तंत्र है गोपनीयता से अपनी सूची बना करके जिन गुंडों को उचित समझा है उनको उसमें शामिल करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की, देश को माफिया मुक्त करने में लगा हुआ है। पर उन पर इन्हें कहीं ऐसा लगता है सरकार के द्वारा ऐसा भेदभाव और अन्य कोई भी बात नहीं कही की गई है, परंतु इन्हें किसी आदमी को किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अमुक आदमी इससे योग्य है, इसमें शामिल होना चाहिए, तो आप उसे फेस करिए, उस पर लोग विचार करेंगे। ये कोई दावत खाने का निमंत्रण थोड़ी थी कि दो चार लोग का नाम जुट गया। आप ऐसी बात कर रहे हैं, तो धैर्य रखिए, मैं आपके पास आऊंगा। पहले उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। जी उनको बता दिए भाई, भला को भी बुला लो, बुला लो। देखिए नहीं श्याम सिंह जी, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, विधायक जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, हम आएंगे आपके पास, पूरा मौका मिलेगा आपको। ये कोई नैतिकता और उससे व्यवहारिकता से जुड़े हुए तो इन्हें संस्कार मिलते नहीं है कि अपनी बात आदमी कह ले, उसके बाद दूसरे की सुनने की क्षमता रख के और क्षमता के बाद उसका प्रत्युत्तर करे। ये एक सिस्टम और शिष्टाचार होता है। पर ये बहुत दिन बाद आएगा वो वाला अलग बात है कि इतने ऊंचे सदन में पहुंच गए, ये वहां बैठे हैं, मौका मिल गया है। नहीं आपसे सीखेंगे, अरे आपकी पार्टी की नैतिकता मुझे नहीं सीखना है भाई। कुबेर सिंह जी ठीक है, ठीक है कुबेर सिंह जी, आप कुछ सवाल है जरा सुन लीजिए। कुछ हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनका भी परिचय आप लोगों से करवा देते हैं। सूर्य कुमार शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, पूर्व IPS हैं, जरा उनकी भी राय ले लेते हैं, फिर आएंगे कुबेर सिंह जी आपके पास में। सूर्य कुमार शुक्ला जी, क्या कहेंगे आप कि आरोप ये लग रहे हैं जो लिस्ट बनाई गई है 33 लोगों की, वो क्राइटेरिया किस क्राइटेरिया से बनाए गए उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बहुत सारे नाम उसमें शामिल नहीं है। अभी एक कोई साथी बोल रहे थे, मैं जान तो नहीं पाया कि वो क्या उनका बैकग्राउंड है, कौन है जी, लेकिन मेरा ये बात उनकी बहुत वाजिब लगी कि भाई जिस किसी को लगे कि फलाने फलाने बदमाश ऐसे हैं जो हिस्ट्री सीटर हैं और जिनका सक्रियता का दौर चल रहा है, यानी सक्रिय हिस्ट्री सीटर। आ रहा हूं अगेरिया साहब, आप धैर्य रखिए, मैं आपके पास दोबारा से आऊंगा, जरा सूर्य कुमार शुक्ला जी को सुन लीजिए। तो पुलिस की भाषा में मैं दो बात बताऊंगा। नंबर एक होता है हिस्ट्री सीटर जी, कि जिसका लंबा आपराधिक इतिहास होता है, और उसमें भी ये जो रोकथाम वाले केस होते हैं दफा 25 दफा 27 ये सब नहीं, 151 या राजनैतिक कामों में जो वो धरना प्रदर्शन करते हैं उसमें उन पर केस लिख जाते नहीं, हैं। बात उनकी नहीं हो, राजनीति की बात, बात नहीं हो रही है, बात 302 307 और 360 बात हो रही है डकैती की, लूट की, बलात्कार की, अपहरण की, फिरौती के अपहरण, मर्डर की, इन बातों के। ठीक है तो एक तो ये हिस्ट्री सीटर होते हैं, दूसरा एक्टिव लिस्ट बनती है। एक्टिव लिस्ट मतलब इस समय कौन कौन से सक्रिय हैं। तो भाई अगर कोई भी ऐसे रह गए हो तो मैं तो निवेदन करूंगा कि उसको आप बेशक जो पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, सरकार है, मीडिया है, और साथ ही तमाम आपके पास सोशल मीडिया भी अब हो गया है, तो सब जगह इसको प्रचारित कर दीजिए कि फलाने फलाने का इतना इतिहास है, इतना कत्ल है, इतनी डकैती लूट अपहरण है, ठीक है, तो इनको माफिया सूची में क्यों नहीं डाला जा रहा। ठीक है अब दो क्राइटेरिया है, एक तो हिस्ट्री होनी चाहिए और एक सक्रिय होनी चाहिए, यानी कि पिछले 3 साल के अंदर हिस्ट्री और सक्रियता दो चीजें, दो चीज में अगर कोई रह गया हो तो, और अगर कहीं ना कोई आपको मदद कर रहा हो तो बताइएगा। मेरे साथी बहुत से पुलिस में काम कर रहे हैं, मैं आपकी लिस्ट को पुलिस अधिकारी उनको पहुंचा दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है बिल्कुल। कुबेर सिंह जी का रुख करेंगे। कुबेर सिंह जी, विपक्ष कुछ सवाल खड़े कर रहा है, मैं वो सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। आपने तमाम नाम डाले 33 लिस्ट में, उसमें BSP के पार्षद हैं बच्चा पासी,
उनको हिस्ट्री सीटर बताया, बहुत बड़ा माफिया बताया है। समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख है दिलीप मिश्रा, उनका नाम इसमें पड़ा हुआ है। बीएसपी के हैं राजेश यादव, जिनको छोटा राजन गिरोह का सदस्य बताया, उनका नाम पड़ा है। लेकिन तमाम सारे ऐसे नाम हैं जिनका नाम इसमें शामिल नहीं किया गया है। अब मैं जरा उसकी सूची पढ़ के आपको सुना देता हूं, सुन लीजिए। पहला नाम अभय सिंह माफिया, उसका नाम इसमें नहीं है। अभय सिंह माफिया का नाम सुना है ना, लखनऊ यूनिवर्सिटी में बहुत चर्चित रहा है और बहुत बड़ा माफिया रहा है, अभी भी सक्रिय है। दूसरा नाम धनंजय सिंह, सांसद हैं, लेकिन कितने मुकदमे उनके ऊपर हम सब जानते हैं, अभी कालिया के ऊपर अटैक कराया उन्होंने। अभी तीसरा नाम सुनिए, राजा भैया, जिसके लिए हाई कोर्ट ने अभी कड़ा आदेश जारी किया। तीसरा नाम अतुल सिंह, चौथा नाम केडी सिंह, पांचवा नाम सोनू सिंह, मोनू सिंह, कितने सिंह है इनका नाम कहीं नहीं है, क्यों नहीं है कुबेर सिंह जी? कुबेर सिंह जी आवाज, कुबेर सिंह जी आवाज आ रही है? आपने कहा था जो ये छूट गए हैं, ये छूट गए हैं। इन्हें बोलने को कहा गया आपके द्वारा क्या? ये बीच में बोलने का स्वभाव थोड़ा इन्हें, इतनी उम्र है, वो फोटो से दिख रहा है, थोड़ा सुनने की क्षमता तो रखिए। ये विश्वकर्मा जी, जी विश्वकर्मा जी, जो आपने लिस्ट पढ़ के बताई है और जो प्रशासन द्वारा एंटी करप्शन विजिलेंस पुलिस प्रशासन द्वारा लिस्ट बनाई गई है, उसमें हो सकता है कि उससे नीचे वाली श्रेणी में हो, ये पहले उन्हें ठीक कर ले, उनके बाद इनके मुकदमे कम हो, ये इसमें मिलान करने वाली बात है। तो ये आपकी बात मैंने नोट कर ली है और इस बात को आपको रखी जाएगी कि ये आप एक छोटा सा सवाल और है मेरा। सूर्य कुमार शुक्ला जी पूर्व आईपीएस हैं, उन्होंने कहा कि दो चीजों का क्राइटेरिया होना चाहिए, एक हिस्ट्री, दूसरा सक्रिय। अब हिस्ट्री तो देख ली आपने, सक्रिय की बात कर, लल्लू यादव लखनऊ का चर्चित माफिया, 1991-92 में बहुत चर्चित था, बहुत बड़ा माफिया था, लेकिन पिछले 7-8 साल से 10 साल से उसका कहीं कोई नाम नहीं है, बीमार है, घर में पड़ा हुआ है, कहां है कुछ पता नहीं है, उसका नाम सबसे टॉप पर, एक नंबर पर। आपके विचारी बिंदु है, तर्क संगत बिंदु है, तो इनको आगे बढ़ाने के लिए, इन पे विचार करने के लिए आगे आग्रह किया जाएगा प्रशासन से, यहाँ उचित स्थान है इनको रखने की बात तो रखी जाएगी। क्या आपकी एसटीएफ इतनी कमजोर है, क्या आपके एसटीएफ की याददाश्त इतनी कमजोर है कि इनका नाम नहीं याद रहता है? अभय सिंह का नाम नहीं याद रहता उस एसटीएफ को? तो निष्कर्ष उसके बाद निकलेगा, उनके जिनको चुना गया है उनकी स्थिति क्या है और इनकी स्थिति उनके नीचे होगी तो उसी स्तर पे क्या होगा, पहले उन्होंने देखा होगा कि इतने हमें गुंडे ठीक करने, उसके बाद नीचे वाले करने, तो ये नीचे वाली क्राइटेरिया में होंगे उनके जांच पड़ताल के आधार पर। अभय लल्लू यादव नीचे है कि अभय सिंह ऊपर है? सर्वेक्षण के उपरांत ही आपको जवाब मिलेगा। चलिए ठीक है कुबेर सिंह जी, बने रहिए। सूर्य कुमार शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अब आ रहा हूं उदयवीर सिंह जी आपके पास आऊंगा। सूर्य जी जल्दी। भाई साहब असल में ये जो ये गुंडे माफिया हैं जी, इनकी मुझे याद है कि आपसे लगभग 30 साल पहले तक जी इनकी हैसियत बहुत छिप कर दब करके नेताओं से मिलने जाने की हुआ करती थी। मेरा आपसे सीधा सवाल है, जो लिस्ट मैंने गिनाई वो वाकई में माफिया है कि नहीं है? क्या मैं गलत लिस्ट पढ़ रहा हूँ? नहीं नहीं बिल्कुल आप सही लिस्ट पढ़ रहे हैं जी। और मेरा तो दृढ़ विश्वास है जी कि ये लिस्ट असल में, जहां तक मेरा पुलिस का अनुभव है, कभी शासन स्तर से लिस्ट नहीं बनती थी जी। जब मैं नौकरी में था तो कभी शासन स्तर से कोई लिस्ट बन के नहीं आती थी जी। ये आदेश होता था कि भाई जो भी माफिया हैं इन पर कार्रवाई करो, बिल्कुल इनकी गैंगस्टर एक्ट में इनकी प्रॉपर्टी कुर्क कर लो। ठीक बात है, जब्त कर लो। अब आपसे 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 भी एक सवाल जानू, क्या ये लिस्ट एसटीएफ ने बनाई है, क्या एसटीएफ की मेमोरी इतनी कमजोर है क्या
कि इनका नाम उनको याद नहीं पड़ रहा था। एसटीएफ की जहां तक बात है जी, तो देखिए एक एसटीएफ सेंट्रल बॉडी है, खाली एक लखनऊ में उसका केंद्र है जी, और ये पूरे यूपी के कार्य करते हैं यार, पूरे यूपी की माफिया की लिस्ट बनाई है उन्होंने, 33 लोगों की लिस्ट बनाई है जिसमें तमाम माफिया हैं और जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। देखिए मुझे अभी नहीं ये मुख्तार अंसारी अतीक अहमद जी लिस्ट की क्या स्थिति है, मैं बता रहा हूँ ना, मेरे पास लिस्ट है, मैं बता रहा हूँ पूरी लिस्ट आपको, आप बता रहे हैं, मेरा ये निवेदन है जी कि इस लिस्ट को डीजी पुलिस को भेज दिया जाए, और या तो आप भेज दीजिए, नहीं मुझे दीजिए, मैं भेज दूंगा और कह दूंगा कि जो संदेह के बिंदु हैं ठीक है, ये नहीं रहने चाहिए, ठीक है, ठीक है, उदय बिटिन जी किसी दल के हो, ठीक है, ठीक है सर, समय कम है, पार्टी के चाहे किसी जाति धर्म के, ठीक है, ठीक, उदय बिटिन जी जी देखिए मैंने कहा देश कानून से चलता है, प्रक्रिया से चलता है, बिल्कुल आप दे सकते हैं। नंबर वन, इन माफियाओं के जो अगरिया जी ने कहा या शुक्ला जी ने कहा कि जो जनता चाहे दे दे, क्या जनता की ये क्षमता है कि वो माफियाओं से लड़े? हाँ, उससे ये आशा कर रहे हैं आप? क्या आपको लगता था कि आपका प्रशासन बिकलू गांव के आसपास के लोग विकास दुबे के खिलाफ कानून जब बना है, प्रक्रिया जब बनी है वो इसीलिए बनी है कि कानून की प्रक्रिया से लोगों का नाम आ जाए, कोई उसमें छूटे ना जी। आप जो सूची पढ़ रहे हैं उसमें मैं कई एक दो नाम ऐसा बता सकता हूँ जो जिनके आपराधिक केस हैं लेकिन सक्रिय नहीं है। हाँ। तो जब किसी क्राइटेरिया पे आप काम करेंगे तो कोई छूटेगा नहीं। सवाल जनता से नहीं, सवाल सरकार से पूछना चाहिए, बिल्कुल, कि ये क्यों छूटे, इसका क्या जस्टिफिकेशन है। और अगरिया जी को धन्यवाद दूंगा, कम से कम उन्होंने ये माना। हाँ, ये बात ठीक है, उन्होंने माना कि उनकी सरकार ने गलत सूची बनाई है जी, और ये सूची बनाने की जिम्मेदारी अगर सूची गलत बनी है तो इसकी जिम्मेदारी माफियाओं पे है या बनाने वालों पर है? बिल्कुल, बनाने वालों पे तो कार्रवाई हो नहीं सकती, बिल्कुल, तो जब बनाने वालों पे कार्रवाई नहीं हो रही है तो सूची सही बनेगी कैसे? ठीक है, तीसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है जी, नहीं मैं आपसे एक बात, सूची बनाने की प्रक्रिया बताना, नहीं मैं आऊंगा जी, बनाने की प्रक्रिया नहीं है, जो सूची बन के आई जी वो गलत बन के आई है जी, कोर्ट कह रहा है, ये आप कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, तो इस पे विचार होना चाहिए, ठीक है, कैसे गलत आई जी, कौन छूटा तो क्यों छूटा। हाँ। सरकार को जस्टिफाई करने की स्थिति में होनी चाहिए, बिल्कुल, हर चीज आप जनता में डाल देंगे तो ये प्रशासनिक अमला ये व्यवस्था ये जनता कर लेगी, भगवान कर लेंगे, जनता अपने आप ही लड़ाई लड़ लेगी, नहीं सब काम जनता और भगवान से लेने का सरकार क्या करेगी, इस व्यवस्था की क्या जरूरत है? सुरसुमा जी आपके पास आएंगे, सरकार अगर पक्षपाती हो जाएगी जी तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है सर, सरकार के पक्षपात का श्याम सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से लेंगे आप, ठीक है, ठीक है श्याम सिंह जी आप अपनी बात रख सकते हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी सर? देखिए जी जी, इस चैनल के माध्यम से आप बहस कर रहे हैं, सूची पर सवाल उठा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं अब लोग, और हम लोग सरकार की नियत पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अगर नियत सही होती है तो ये सब बहस सुन करके लोगों के व्यू पॉइंट्स, लोगों की भावनाएं, लोगों की विरोध सुन करके एक अच्छी नियत वाली सरकार होती है तो उसे दूर करने की कोशिश करती है। आज पूर्व डीजी शुक्ला जी ने भी अच्छी बातें कुछ की है तो मैं उससे भी संतुष्ट हूं, लेकिन मुझे इस सरकार की नियत पर बहुत बड़ा संदेह है। ये जितनी सूची की खामियां आप कह रहे हैं, जो उसके सत्ताधारी पार्टी के जो यहां पर आए हैं वो कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने कहा है, फटकार लगाई है कि कोई भी माफिया ना बचे सरकार व्यक्ति, क्योंकि बीजेपी जो है एक ऐसी पार्टी है, कहती कुछ है करती कुछ है। आपको मैं ले जाना चाहता हूं कि एक बंगारू लक्ष्मण थे, बहुत पहले इनके जनसंघ के अध्यक्ष हुआ करते थे जी, तो एक लाख रुपया घूस ले लिया था, तो ऐसे जैसे हम लोग एक दूसरे को प्रत्यक्ष देख रहे हैं समझ रहे हैं, वैसे सीसीटीवी कैमरे में आ गए थे पूरा फोटो में प्रमाण सहित। तो क्या कहते हैं कि इसकी जांच की जाएगी कि वो बंगारू लक्ष्मण है कि नहीं है, मतलब सरे आम आंख में धूल झोंकने वाला काम ये पार्टी करती है, कर रही है, और मुझे तो बहुत अफसोस होता है कि इस पार्टी जिस धरे पर जा रही है, जैसा समाज को बांट करके लॉ एंड ऑर्डर में क्या हर चीज में बांट कर जैसा कर रही है, आगे आने वाले दिनों में यूपी को के लोगों को बहुत बुरा दिन देखना पड़ेगा। एंड इट इज ऑल्सो सेटिंग वेरी रॉन्ग ट्रेंड,
because whosoever comes next in the government, because they are not going to stay in the government for all life. So they will also do the same thing. वक्त एक ब्रेक का हो चला है, एक ब्रेक लेंगे, कुछ सवाल आपसे भी करने थे मुझे, लेकिन ब्रेक पर जाएंगे पहले, और ब्रेक पर आएंगे तो कुछ सवाल आपसे भी करेंगे, और मोहित अहमद साहब से भी है हमारे कुछ सवाल, उनसे भी उसका जवाब तलाशेंगे, और पूर्व आईपीएस साहब भी जुड़े हुए हमारे साथ में, वो बताना चाह रहे हैं कि क्या इसकी प्रक्रिया है, लिस्ट कैसे बनती है, वो भी उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को Mount Litera Z School, Mundao, number one in academics, number one in sports, best teachers, best results, smart classroom, best transport facility, world-class infrastructure ke saath, Mount Litera Z School, Mundao. खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, और हम सीधा रुख करेंगे मोहित अहमद साहब का। मोहित अहमद साहब, सवाल यह है कि कुछ भी हो लेकिन सरकार कार्रवाई कर रही है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये वो नाम है जो दहशत का पर्याय बन चुके हैं, और उसके अलावा भी तमाम नाम ऐसे हैं जिन पर लगातार कार्रवाई चल रही है। सुंदर भाटी, अनिल भाटी, अनिल दुजाना, ये सब पश्चिम के कुछ ऐसे नाम हैं जिनका खौफ न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि दूसरे राज्यों में भी है, इन पर कार्रवाई हो रही है, इससे तो आपको संतुष्ट होना चाहिए ना? मैं संतुष्ट हूं या नहीं हूं इसकी बात नहीं है, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे 2017 में और मुख्यमंत्री बने थे, तो इन्होंने कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाऊंगा, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी के अब इस समय आंख में शर्म का पानी नहीं रह गया, निर्लज्जता की सरकार की हद हो गई। संविधान सबके लिए बराबर होता है, अगर मुख्तार अंसारी और अतीक के लिए है तो होना चाहिए कार्रवाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मगर ये चीज जो कार्रवाई तो कर रही है ना जांच, सरकार कार्रवाई तो मगर कर रही है ना। रोकना चाहेंगे मोहित साहब, आपको रोकना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे हैं यूएन में, जरा सुन लेते हैं, आपके पास दोबारा से आएंगे। मोहित साहब, मजबूरी है, यूनाइटेड नेशंस, सुन लीजिए, इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ए लॉट हैज चेंज सिंस देन, टुडे द यूएन ब्रिंग्स टुगेदर 193 member countries. Along with its membership, the expectations from the organization have also grown. At the same time, multilateralism is facing
many challenges today. Excellencies, from the very beginning, India has actively supported the Union's development work and ECOSOC. The first president of ECOSOC was an Indian. India also contributed to shaping the ECOSOC agenda, including the Sustainable Development Goals. Today, through our domestic efforts, we are again playing a salient role in achieving Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals. We are also supporting other developing countries in meeting their Sustainable Development Goals. Excellencies, India is home to 1/6 of humanity. We are mindful of our weight and responsibility. We know that if India succeeds in achieving its development objectives, it will go a long way in achievement of global goals. And so we have taken whole of society approach by engaging our states, our local governments, our civil society, communities, and our people. Our motto is Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, meaning together everyone's growth with everyone's trust. This resonates with the core SDG principle of leaving no one behind. Be it access to nutrition, health, education, electricity, or housing, we are making great progress through our inclusive programs. Excellencies, last year we celebrated the 150th birth anniversary of the father of our nation, Mahatma Gandhi, by achieving full sanitation coverage in our 600,000 villages. In 5 years, we built over 110 million household toilets, which improved our rural sanitation cover from 38% to 100%. Our massive awareness generation programs are empowering our women. We have achieved gender parity in elementary and secondary education. Nearly 70 million women in rural India are part of self-help groups under our livelihood mission. They are transforming lives and livelihoods of a big scale. Over 1 million women are elected representatives of our local governments, leading the process of participatory development. In the last 6 years, we opened 400 million bank accounts for the unbanked, out of which 220 million are owned by women. We have leveraged the power of technology for financial inclusion. This is based on the trinity of a unique identity number, a bank account, and a mobile connection for everyone.
इट हैज अलाउड अस टू मेक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ 150 बिलियन डॉलर्स टू ओवर 700 मिलियन पीपल पर्संस. Our food security program reach 830 million citizens. Our housing for all program will ensure that every Indian will have a safe and secure roof over her head by 2022, when India completes 75th year as an independent nation. By then, 40 million new homes would have been made under this program, more than the total number of households in many countries. Today, our Ayushman Bharat scheme is the world's largest health protection program, covering 500 million individuals. In the fight against COVID, our grassroots health system is helping India ensure one of the best recovery rates in the world. We are also on track to remove TB by 2025. Other developing countries can learn from the scale and success of India's development programs. And for the technologies and innovations we have deployed, it is this realization that underpins India's own development partnership with the Global South. Excellencies, while marching forward on the path of development, we are not forgetting our responsibility towards our planet. Over the past few years, we have reduced 38 million tons of carbon emissions annually. This was achieved by electrifying our villages, providing clean cooking fuel to 80 million poor households, and introduction of energy efficient measures. We have set a target to install 450 gigawatt of renewable energy and restore 26 million hectares of degraded land by 2030. We have an age-old tradition of living in harmony with nature. We launch one of the largest campaigns for cleanliness and discourage usage of single-use plastic. Internationally, our initiative to set up the International Solar Alliance was a practical manifestation of climate action. Similarly, the Coalition of Disaster Resilience Infrastructure brings together all relevant stakeholders for a comprehensive approach. We have always prided ourselves as the first responder in our region, a friend in need. Be it earthquakes, cyclones, Ebola crisis, or any other natural or man-made crisis, India has responded with speed and solidarity. In our joint fight against COVID, we have extended medical and other assistance to over 150 countries. We also helped create a SAARC COVID emergency fund in our neighborhood. Excellencies, the COVID-19 pandemic has severely tested the resilience of all nations. In India, we have tried to make the fight against the pandemic a people's movement by combining the efforts of government and civil society. We have given the highest priority to reach benefits to poor households.
वी हैव अनाउंस ए पैकेज ऑफ मोर देन $300 बिलियन. इट विल ब्रिंग द इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक, बिल्ड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पुट इन प्लेस आर टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम. वी हैव पुट फॉरवर्ड आ विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत, अ सेल्फ रिलायंट एंड रिजिलियंट इंडिया इंटीग्रेटेड विद द ग्लोबल इकोनॉमी. एक्सलेंसीज, इंडिया फर्मली बिलीव्स दैट द पाथ टू अचीव सस्टेनेबल पीस एंड प्रोस्पेरिटी इज थ्रू मल्टीलेटरलिज्म. As children of planet Earth, we must join hands to address our common challenges and achieve our common goals. However, multilateralism needs to represent the reality of the contemporary world. Only reform multilateralism with a reform United Nations as its center can meet the aspirations of humanity. Today, while celebrating 75th years of the United Nations, let us pledge to reform the global multilateral system, to enhance its relevance, to improve its effectiveness, and to make it the basis of a new type of human-centric globalization. The United Nations was originally born for the furies of the Second World War. Today, the fury of pandemic provides the context for its rebirth and reform. Let us not lose this chance. Excellencies, India has been elected to the United Nations Security Council at this very important time. With our deep commitment to maintaining global harmony, to improving social economic equity, and to preserving nature's balance, India will play its role in full support of the UN agenda. Namaskar. Thank you very much. Thanks. जी हाँ, ये थे प्रधानमंत्री जो यूएन में अपनी बात रख रहे थे, बता रहे थे कि भारत को वो कैसे आगे लेके जा रहे हैं, कैसे बैंक में अकाउंट खुलवाए, लाखों लोगों के बैंक के अकाउंट खुलवाए जिसमें से ज़्यादातर महिलाएं हैं, शौचालय की बात की. इसके साथ साथ में उन्होंने बात किया कि कैसे और तमाम सहर काम किया लोगों के लिए. आयुष्मान योजना की बात की जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना बताया, जिसको उन्होंने कि औषधि को के मामले में और बीमारी के मामले में ये विश्व की सबसे बड़ी योजना है जो लोगों को निरोग करने की में के लिए लगाई गई. हाँ, वापस आते हैं अपनी डिबेट के ऊपर. हमारे साथ में लगातार खास मेहमान सारे जुड़े हुए हैं और हम सीधा रुक करेंगे सूर्य कुमार शुक्ला जी का. सूर्य कुमार शुक्ला जी, सबसे पहले आप जल्दी से बता दीजिए कि क्या प्रोसेस है, किस तरह से ये पूरी लिस्ट बनाई गई है. इसमें बड़ी एक आम प्रक्रिया जो कि मैंने बहुत सालों तक देखी है, ऊपर से जब शासन से आदेश होता है, सभी पुलिस के अधीक्षकों वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों डीआईजी आईजी को चिट्ठी लिखते हैं कि अपने अपने जिलों के सभी माफिया लोगों की सूची प्रस्तुत करिए और हिस्ट्री सीटरों को जिन पर कार्यवाही होनी चाहिए वो एसएसपी जो है वो सब अपने अपने थाना अध्यक्षों और सीओ साहबान से लिस्ट मांग लेते हैं और वो लिस्ट में इकट्ठा करके और वो पुलिस में चूंकि आदत है काम बड़ी तेजी से करने का, वो आदेश आया है जल्दी भेजना है और वो तुरंत वायरलेस हो गया और रातों रात लिस्ट इकट्ठा हुई और अगले दिन पता लगा कि 24 घंटे के अंदर डीजी की मेज पर आ गई कि ये लिस्ट है जिलावार. अब इसमें प्रैक्टिस में क्या गलती हो जाती है जो आप बताए कि फलाना नाम छूट गया, कि अगर कोई दरोगा
थाना इंचार्ज सीओ जिनको लिस्ट बनाना है जी, वो अगर किसी बदमाश से के बारे में मुतमईन है कि ये सक्रिय नहीं है इस समय, बहुत पहले तो था और लेकिन आप सक्रिय नहीं, तो उन्होंने उसका नाम छोड़ दिया। आपको लगता है सोनू सिंह मोनू सिंह सक्रिय नहीं है? देखिए जहां तक मैं बताऊं आपको कि सक्रियता का क्राइटेरिया क्या है कि पिछले 3 साल में उनके ऊपर कितने मर्डर, कितनी डकैती, लूट, अपहरण, बलात्कार आदि के केस लगे हैं, ये क्राइटेरिया तो होता है सक्रियता टेस्ट। विकास दुबे पर तो है, जितने थे सब खारिज हो गए थे, 8 थे जिसमें से 3 में एफआईआर लग गई थी। हाँ, उदयवीर सिंह जी बिल्कुल बिल्कुल जी, उदयवीर सिंह जी 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 बिल्कुल ठीक है। सूची वगैरह छोड़े जी, जहां से छूटे बिल्कुल छोड़े जी, जहां से छूटे अगर कोई एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दे दे जी तो वो बनेगा, लेकिन 3.5 साल की सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी व्यक्ति को, उच्च अधिकारी को, तो विशेष रूप से कोई एग्जेम्पलरी पनिशमेंट नहीं दे पाए जी। और जिस तरीके से उन्होंने डीजी सिलेक्शन किए हैं, जाति आधारित, पूरे पक्षपात के हिसाब से जो मौजूदा डीजी बने हैं, वो भी इसलिए बने हैं क्योंकि इस समय डीजी बनते समय हाईकोर्ट में एक मुकदमा हो गया था और सरकार को जवाब देना था, वरना ये भी नहीं बन पाते, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक, तो जब जाति आधारित काम डीजी बनाए जा रहे हैं, पुलिस बनाई जा रही है, तो जाति आधारित अन्याय हो रहा है, जाति आधारित लोगों को छोड़ा जा रहा है। और जो कल का आपका विषय था ब्राह्मणों का, वो भी पूर्वांचल की जो पुरानी अदावत है उसका नतीजा है कि इस तरीके से चुन चुन के लोगों को परेशान करा जा रहा है। ठीक, और कुछ माफिया मजे मार रहे हैं और कुछ माफिया छोटे होने के बावजूद भी बड़े बने हुए हैं। ठीक है, ठीक है। और सूर्य कुमार जी आपके पास आऊंगा, लेकिन कुबेर सिंह जी के पास, कुबेर सिंह जी, ये मुख्यमंत्री को कुछ ज्यादा सक्रियता दिखानी पड़ेगी, उनकी सदिच्छा है, लेकिन सवाल ये है कि विकास दुबे जैसे लोग बच कैसे जाते हैं उनके खिलाफ? तो भी नहीं था थाने में, कुबेर सिंह जी, कुबेर सिंह जी नहीं, कुबेर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुबेर आपको आवाज आ रही है? सिंह जी आपको आवाज आ रही है? सूची मालूम करने चले गए। सूची कर्मा जी जब आप मुझे कहे थे तो प्रधानमंत्री का भाषण हो गया। आ रहा हूं सर, आप ही के पास आऊंगा। कुबेर सिंह जी आपको आवाज मिल रही है? लगता है कुबेर सिंह जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मुझे अपना वादा याद दिलाने के लिए, मुझे अपना वादा याद दिलाने के लिए बहुत शुक्रिया मोहित साहब, और मैं सीधा आप ही के पास आ रहा हूं। जी आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। बड़ी देर से क्राइटेरिया और सूची पे डिस्कशन हो रहा है, वो साफ परिलक्षित है कि जो इनके पार्टी से नहीं जुड़ा है उसके 100 खून, उसको तो संविधान को ताक पे रख करके किसी भी प्रकार से उसको प्रताड़ित करना है, इनकाउंटर करना है, वो चाहे फर्जी हो चाहे जैसे हो, सब कुछ करना है। और जो इनकी पार्टी से जुड़ा है उसके 100 खून माफ है। मैं कहता हूँ लॉ एंड ऑर्डर का ये चैलेंज के आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी कि मैं अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाऊंगा, और आज लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज्यादा खराब है। फर्क इतना है कि ये अरे सर 6,000 इनकाउंटर हो गए हैं, 125 लोग से ज्यादा मारे जा चुके हैं, कहां लॉ एंड ऑर्डर खराब है? कि ये क्राइम का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, अगर FIR लिखने लगे तो ये जितनी भी सरकार पूर्ववत रही है सब पीछे हो जाएंगी। इस वक्त हर घंटे मर्डर हो रहा है, लूट हो रहा है, डकैती हो रही है, पुलिस ने मोहित साहब सरकार का दावा है कि 5,895 हेक्टेयर भूमि जो है इन माफियाओं से अतिक्रमण से छुड़ाई गई है। है कि 5,895 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण से छुड़ाई गई है जो इन माफियाओं के पास में दूसरे लोगों के पास में थी। काम तो हो रहा है ना? हाँ, मगर भूमि छुड़ाई गई है किन लोगों की और किन लोगों की अभी छुड़ाना बाकी है। काम तो सरकार कुछ न कुछ करने चाहिए ना, कुछ न कुछ तो उपलब्धि गिनाएंगे। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि जो इनकी पार्टी में जुड़े हैं उनको भी, उनकी भी भूमाफिया की हिस्ट्री देख लें, उनके भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स देख लें, उनकी भी कार्रवाई उन पर भी करें। ये उनके शौकून क्यों
माफ किए हुए हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है मोहित साहब, आपका जवाब लूंगा। ठीक है बात हो गई आपकी मोहित साहब, बात पूरी आपकी आ गई, आपका जवाब लूंगा। लेकिन उससे पहले श्याम सिंह जी का रुख करेंगे, वो भी कुछ कहना चाहा। जी सर, आप अपनी बात रख सकते हैं। श्याम सिंह जी, जो दावा है जी कि 5,000 एकड़ और 10,000 एकड़ वो माफियों से जमीन छुड़ाई गई है, अगर प्रदेश की सरकार की सुरक्षा का खतरा न हो, अगर प्रदेश सरकार के बड़े लोगों की सुरक्षा का खतरा न हो, तो उसे जरा जारी कर दे अखबार में। मैं तो ये मांग करता हूं कि इनकी सब बयानबाजी, इतनी भूमि छुड़ाई गई, लाख लाख 5 लाख 10 लाख रोजगार सृजित किए गए, रोज कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, पब्लिक को लुभावने वादे करते करते और उसी पर मतलब चल रहे हैं। ये नहीं कहते कि पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, जो भी इनके शीर्षक आ रहे हैं कि कितने रोजगार क्रिएट किए गए, कहाँ क्रिएट किए गए। सर, रोजगार पर हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन आप ये बता दीजिए, सुंदर भाटी पर, भाटी गिरोह पर कार्रवाई की गई, माफ करिएगा, अतीक अहमद पर कार्रवाई की गई, मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई की गई, ये तो बड़े माफिया, सक्रिय माफिया है ना, इसमें तो आपको खुश होना चाहिए। हमने तो कहा नहीं हम दुखी हैं। और जैसे मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई करें, वैसे तो दर्जनों लोग और हैं, आप अपने मुंह से ही नाम ले रहे हैं, तो खुश तो तब होंगे जब सब पे कार्रवाई हो ना। सुंदर भाटी, मुख्तार अंसारी, 2-4 लोगों पे कार्रवाई करके क्या कोई एहसान कर रहे हैं क्या? उनका तो काम ही यही है लाइन ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त रखना और सारे माफियाओं पर कार्रवाई करना, तो वो कुछ पे ही क्यों करते हैं भाई? आप हमसे कहिए कि सारे लोगों पे कार्रवाई करें। ठीक है जवाब ले लेते हैं सर। जवाब अगरिया साहब, आपको अगर आवाज मिल रही हो, मोहित साहब और सांसद साहब सवाल उठा रहे हैं कि आपके जो अपने चाहते हैं उनका इसमें लिस्ट में नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं है जी, और जवाब देना चाहिए मोहित साहब जी। अगरिया साहब, पक्षपात पूरा, मोहित साहब जी, अगरिया साहब जी जी बोलिए, पक्षपात कर, मैं बोलूं ना? ना मोहित साहब आप शांत हो जाइए, कुबेर सिंह अगरिया साहब से जवाब ले लेते हैं। लेने चले गए हैं शासन से, अब कहाँ कुबेर सिंह है को ढूंढ रहे हैं, नहीं आएंगे वो। नहीं, कुबेर सिंह जी हमारे साथ में है भाई, लेकिन उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। कुबेर सिंह जी आएंगे नहीं। चलिए लगता है कि कुछ तकनीकी व्यवधान की वजह से उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। सूर्यकुमार जी जल्दी से 20 सेकंड में अपनी बात मैं आपको बताऊं ये नाम कैसे छूटते हैं जी। आपने सुना होगा किस लिए मंत्री मुख्यमंत्री के साथ दौड़ दौड़ करके माफिया लोग फोटो खिंचाते हैं जी। और वही फोटो भले केवल दौड़ भाग में खिंच गया हो, उसको क्षेत्र में जाकर प्रचारित करते हैं, हम सरकार के बड़े करीबी हैं, और उसी प्रचार के धोखे में लोकल अफसर लोग जो होते हैं वो दबाव में, मानसिक दबाव में आ जाते हैं। करी ये तो शासन का बड़ा करीबी है और इसके कारण उसका नाम लिखने में ठीक है वो अवॉइड कर जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने का, बहुत शुक्रिया। तो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जो लिस्ट बनाई गई है वो पारदर्शी नहीं है और जिस लिस्ट को रिव्यू करना चाहिए, पारदर्शी तरीके से लिस्ट को बनाया जाना चाहिए, माफियाओं पर कार्रवाई हो ये बहुत जरूरी हो, प्रदेश भय मुक्त हो, गुंडा रहित हो, माफिया रहित हो, ये सबसे बड़ी बात है। और भाजपा ने ये वादा भी किया था, उसको ये वादा निभाना भी पड़ेगा और निभाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन जो नाम छूट गए हैं उन नामों पर फिर से गौर करना पड़ेगा। साथ साथ में कोर्ट ने जो आज हिदायत दी है उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।